विजयते श्री बालकृष्ण प्रभु श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्रावण श्यामले पक्षे एकादश्याम महानिशि साक्षात भगवता प्रोक्तम तदक्षरश उच्यते। श्री महाप्रभु जी का प्राकट्य भगवत लीला से बिछड़े हुए दैवी जीवों का पुनः प्रभु से मिलन कराने के लिए हुआ। कार्य बड़ा भी था और कठिन भी। प्रभु तो निर्मल, निर्दोष, अलौकिक और जीव हर प्रकार से दुष्ट, सर्वथा अयोग्य और संसार आसक्त। तो ऐसे दो विरोधी धर्मों का मेल कैसे संभव हो? श्री महाप्रभु जी की इसी चिंता के निवारणार्थ प्रभु श्री कृष्ण श्रावण मास के अमल अर्थात शुक्ल पक्ष की एकादशी की मध्य रात्रि को स्वयं प्रकट हुए। मंगल दिन, मंगल घड़ी, शुभ मुहूर्त और जीव कल्याणार्थ आपसी के श्रीमुख से प्रकटी मंगलवाणी। ब्रह्म संबंध करणात सर्वेशां देह जीवयोः सर्व दोष निवृत्ति। प्रभु ने श्री महाप्रभु जी को आज्ञा की कि जिस जीव का आपके द्वारा ब्रह्म संबंध होगा उसको हम अपनी शरण में लेंगे और उसकी लौकिक गति कदापि न होने देंगे। परंतु जीव तो दोषों का भंडार है। दोषाः पंचविधाः स्मृताः, सहजादेश कालोत्था लोकवेद निरूपिताः, संयोगजाः स्पर्शजाश्च न मन्तव्याः कथञ्चन। प्रभु ने स्वमुख से आज्ञा की कि श्री महाप्रभु जी द्वारा ब्रह्म संबंध के पश्चात जीव के सभी दोषों की निवृत्ति हो जाएगी। इसका आशय यह है कि जीव के ये कोई भी दोष भगवत सेवा में प्रतिबंधक नहीं बनेंगे। देखो, हो गई इतनी दुर्लभ और इतनी बड़ी कृपा, श्री महाप्रभु जी के आनंद का पार न रहा। अपने प्राण प्रेष्ठ प्रभु को आपसी ने स्वयं सिद्ध किया हुआ 360 सूत का पवित्रा धराया, रस रूप मिश्री अरोगई और आप श्री के कोटि कंदर्प लावण्यमय मधुर स्वरूप के दर्शन कर श्री मधुराष्टकम का गान किया। जीव के भाग्योदय स्वरूप इस पवित्र संकल्प, पवित्र वचन, पवित्र संबंध का यह मंगल दिवस पवित्रा एकादशी के नाम से पुष्टि मार्ग में प्रसिद्ध हुआ। यूं कह सकते हैं कि आज ही के दिन पुष्टिमार्ग नामक इस अति विलक्षण, अति अद्भुत कृपा ही जिसका लक्षण है, ऐसे मार्ग का प्राकट्य हुआ। और आज ही के दिन के कारण जीव को यह महत परम सौभाग्य प्राप्त हुआ कि ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी को भी दुर्लभ ऐसे प्रभु उसके घर आंगन में खेलने पधारे। श्री महाप्रभु जी को चिंता तो हुई, परंतु ध्यान दें कि आपसी ने प्रभु से चिंता निवारणार्थ कोई भी प्रार्थना नहीं की, अपितु हुआ यूं कि आपसी को चिंतित देखकर मार्जारण न्यायेन प्रभु स्वयं प्रकट हो गए और आपसी की चिंता दूर कर दी। हमारे संप्रदाय को पुष्टि मार्ग कहा जाता है, अर्थात प्रभु की कृपा का मार्ग। और पुष्टि मार्ग के प्राकट्य काल के समय ही यह प्रसंग इस तथ्य को उजागर करता है। विचार आता है, श्री महाप्रभु जी ने सूत का ही पवित्रा क्यों धराया? सूत पवित्र माना गया है, इसीलिए सभी वैदिक एवं मांगलिक कार्यों में जैसे कलाया, ग्रंथि बंधन, हल्दी कंकण, जनेऊ, मौली इत्यादि में सूत का ही उपयोग होता है। कंठी में भी तुलसी के पारा सूत में पिरोए हों वही शुद्ध है। 360 तार का पवित्रा भी प्रतीकात्मक है, अनेकों भाव हैं, परंतु संक्षेप में समझें तो प्रभु का षडैश्वर्य युक्त निर्गुण षोडश कलात्मक स्वरूप, पूरे वर्ष भर की सेवा का भाव, काल दोष का निवारण, जाने अनजाने सेवा में हुए दोषों का निवारण इत्यादि कई सारे भाव 360 तार के सूत के पवित्रा में निहित हैं। श्री महाप्रभु जी ने मधुराधिपति को मिश्री भोग धरी। मिश्री भी रसो वैसह आपश्री की भांति रस परिपक्व है और
आनंद मात्र कर पाद मुखोदर आदि स्वरूप की भांति अंदर बाहर सर्वतोमुखी मधुर है। इसीलिए अखिल मधुर स्वरूप को मधुराम श्री भोगधरी। पवित्र एकादशी के दिन प्रभु को केसर की कोर रंगे हुए श्वेत वस्त्र आते हैं, माणिक की जोड़ी कुल्हे है और तीन के जोड़ के श्रृंगार आते हैं, ठाड़े स्वरूप पिछोड़ा धरते हैं, तीन पंखड़ा की कलंगी धरते हैं। पवित्रा और राखी का एक साथ ही अधिवासन किया जाता है। फिर राजभोग धरने के पहले प्रभु पवित्रा धरते हैं। सर्वप्रथम सूत के केसरी पवित्रा, फिर रेशमी, फिर फूल वाले, फिर रुपहरी, फिर सुनहरी और फिर बादला के पवित्रा धराए जाते हैं। फिर ब्रह्म सम्मन मंत्र बोलकर चरणारविंद में तुलसी जी समर्प कर सबसे ऊपर लट्ठा धराया जाता है। लट्ठा यानी सूत का पवित्रा जिसके ऊपर केसरी रेशम लपेटा। फिर प्रभु को दंडवत करके सन्मुख में श्रीफल भेंट करते हैं। वर्ष में तीन बार ही प्रभु सन्मुख भेंट होती है, एक दीपावली के दिन शैया मंदिर में, नन महोत्सव के दिन पलना में और एक पवित्र एकादशी के दिन। बाकी सब दिनों में श्री महाप्रभु जी की पलंगड़ी को ही श्रीफल भेंट का क्रम होता है। हाँ, पवित्रा धरते समय प्रभु के पास में लाल वस्त्र में लपेटकर मिश्री की कटोरी धरी जाती है। उत्सव भोग में भी मिश्री की कटोरी आती है। अनसखड़ी में शकरपारा, दही वड़ा एवं मनमनोहर आते हैं। संध्या समय में प्रभु पवित्रा के हिंडोला में झूलते हैं और प्रभु सन्मुख गोविंद स्वामी के प्रथम दिन के हिंडोला के चार कीर्तन गाए जाते हैं। हिंडोला के दिनों में गोविंद स्वामी के ये कीर्तन चार बार गाए जाते हैं। पहली बार हिंडोला प्रारंभ के दिन, दूसरे जिस दिन जन्माष्टमी की बधाई बैठती है उस आठम को, तीसरी बार पवित्रा एकादशी के दिन और चौथी बार हिंडोला विजय के दिन। हम पुष्टि भक्ति मार्गियों के लिए यह दिन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि श्री महाप्रभु जी की कृपा से इसी दिन के कारण हमें परम फल रूप पुष्टि पुरुषोत्तम यशोदोत्संग लालित श्री कृष्ण की साक्षात सेवा की योग्यता प्राप्त हुई और हम इस पृथक शरण मार्ग पर चलने के अधिकारी बने। समस्त पुष्टि सृष्टि को इस मंगलमय उत्सव की अनेकानेक बधाई। शिवल्लभाधीश की जय हो। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपते अखिलं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरम मधुराधिपते अखिलं मधुरम।